भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मोदी मतलब गारंटी, मोदी मतलब जीत, मोदी मतलब विश्वास, मोदी मतलब विकास। नरेंद्र मोदी, सियासत का एक ऐसा नाम जो जीत की गारंटी है। जीत जिसके हाथ रहना चाहती है, जनता का विश्वास उनके साथ कदम चाल करता है। यही वजह है कि हरियाणा में तीसरी बार फिर से कमल खिला है। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी राज्य में ऐसा कर पाने वाली पहली पार्टी बन गई है। दस चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर पांच साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है, वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कार्यकाल, पूरे पांच पांच साल के दो कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। हरियाणा में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीजेपी ने हरियाणा में ऐसा कमाल किया कि कांग्रेस देखती ही रह गई और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी कमल खिलाकर बता चुकी है कि चुनाव में जीत का मतलब मोदी की गारंटी है। मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। अरे पर ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं जहाँ दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहाँ से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हरियाणा में सफलता की गारंटी बन गई। बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक मारकर बता दिया कि हरियाणा का किसान, नौजवान और पहलवान सब मोदी के साथ हैं। जिस तरीके से आपने देश की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया, उन सब के ऊपर ये हरियाणा की जनता ने फिर से मोहर लगा करके बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके नेतृत्व में सारी जनता खड़ी है। 2021 के बाद से बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदले हैं। ऐसा करके बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया है। हरियाणा पांचवा राज्य था जहां बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और उसे इसका फायदा भी मिला। बीजेपी का सीएम बदलने का फॉर्मूला हिट, गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, हरियाणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम ने बीजेपी की बदली रणनीति पर मोहर लगा दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया, नायब सैनी को सीएम बनाने के बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस प्रयोग को फेल बता रहे थे। लेकिन बीजेपी गुजरात समेत कई राज्यों में चुनाव से पहले सीएम बदलकर एंटी इनकम्बेंसी के असर को कम करने वाला ट्रिक आजमा चुकी थी, जो हिट रहा। विधानसभा चुनाव से पहले दो बार सीएम बदला गया, दोनों बार राज्य में बीजेपी को फायदा मिला। 2017 में आनंदी बेन को हटाकर विजय रूपाणी सीएम बने। 2017 में बीजेपी 182 में से 99 सीटें जीती। 2022 के चुनाव में गुजरात में फिर सीएम बदला गया, विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया। 2022 में जब चुनाव हुए
तो बीजेपी ने 156 सीटें जीती। बीजेपी ने उत्तराखंड में भी ये कार्ड चला था। उत्तराखंड के चुनाव में भी देखने को मिला था। 2022 में उत्तराखंड के चुनाव से एक साल पहले सीएम बदले गए। 2022 में बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह को सीएम बनाया। तीरथ सिंह रावत 4 महीने भी इस पद पर नहीं रहे। उन्हें हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2022 के चुनाव में 70 में से 47 सीटों पर इसके बाद बीजेपी ने जीत हासिल की। हरियाणा में भी बीजेपी ने यही फॉर्मूला लगाया। सीएम मनोहर लाल को हटाकर बीजेपी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और बीजेपी का फॉर्मूला हरियाणा में हिट हो गया। बीजेपी ने 2019 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। हरियाणा में हैट्रिक लगी तो बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से झूमने लगी। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का दौर शुरू हो गया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जाने लगी और बधाई देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी का हर नेता हर कार्यकर्ता मानो जीत के जश्न में सराबोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 4 रैलियां की। इन रैलियों में करीब 40 विधानसभा सीटों पर असर हुआ। इन 41 सीटों में बीजेपी करीब 23 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि कई सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। पीएम मोदी ने अपनी पहली रैली कुरुक्षेत्र में 14 सितंबर को की और इस क्षेत्र में लाडवा, पुंडरी, पानीपत सिटी, पानीपत ग्रामीण, समाल का अंबाला कैंट और कालका में बीजेपी को जीत मिल गई। पीएम मोदी की दूसरी रैली थी 25 सितंबर को। पीएम मोदी ने तब सोनीपत में जनसभा को संबोधित किया था और यहां पर सोनीपत, करकौदा, गोहाना, राय विधानसभा सीट को बीजेपी जीतने में कामयाब रही। पीएम मोदी की तीसरी रैली हिसार में 28 सितंबर को ही। हिसार के अंतर्गत हांसी, परवाला, नालवा, जींद और सफीदों में बीजेपी ने जीत हासिल की। पीएम मोदी की चौथी रैली 1 अक्टूबर को पलवल में होती है, जिसके बाद होडल, पलवल, फरीदाबाद एनआईटी, बड़कल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक चला। हरियाणा की जनता ने मोदी पर विश्वास किया। हरियाणा की जनता ने मोदी की गारंटी पर यकीन किया। मोदी की बात पर हाथ रखकर हरियाणा ने बीजेपी को विजय करने की शपथ ली और बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक पार कर इतिहास रच दिया। हरियाणा के किसानों ने मोदी की गारंटी पर यकीन किया और तीसरी बार बीजेपी के सिर पर सत्ता का ताज रख दिया। जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है। हरियाणा में नौजवान भी मोदी के साथ रहे। मोदी की गारंटी पर हरियाणा के नौजवानों ने भरोसा जताया और हरियाणा में मोदी का ऐसा मैजिक चला कि कांग्रेस हाथ पलती रह गई। खड़खौदा में देखिए, भाजपा औद्योगिक शहर बना रही है। कोशिश यही है कि यहां के हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, रोजगार मिले। हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है कि ऐसे अनेक औद्योगिक शहर राज्य के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। रोजगार को लेकर मोदी ने जो भी हरियाणा की जनता को गारंटी दी, जनता ने मोदी की गारंटी में विश्वास की गिरह लगा दी और मोदी के नाम पर प्रचंड बहुमत देकर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनवा दी। कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में
व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। हरियाणा में मोदी और आरएसएस की गजब की रणनीति देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी और आरएसएस की प्लानिंग के तहत आरएसएस ने हरियाणा में 16,000 छोटी छोटी सभाएं और गैर जाट मतदाताओं को बीजेपी की तरफ लाने में कामयाबी हासिल की। हरियाणा में सैनी, कश्यप प्रजापति छिंदे, जादो गडरिया गुर्जर, रोड वाल्मीकि बाजीगर, सैंसी थाना कबीरपंथी सरीखे वर्गों में काफी मत मिला। इन वर्गों के चुनाव के दौरान कई खास चर्चा नहीं थी। बीजेपी इन पर मेहनत करती नजर आई, जबकि कांग्रेस सीएम के लिए लड़ती रही। हरियाणा में चुनाव जाट बनाम नॉन जाट होने का दावा किया जाता रहा। विपक्ष दावा कर रहा था कि हरियाणा में जाट नाराज है, लेकिन बीजेपी सभी को अपने पक्ष में लाने में कामयाब है। हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था। मनोहर लाल जिस क्षेत्र से आते हैं वो दक्षिणी हरियाणा में है, वहीं नायब सिंह सैनी उत्तरी हरियाणा से आते हैं। ऐसे में उत्तरी हरियाणा के मतदाताओं ने बीजेपी भरोसा जताया। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही, लेकिन इस जीत के पीछे पीएम मोदी का जादू बताया जा रहा है और जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाल जन समर्थन बनाने वाले जमीनी आधार को दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है, जो बता रही है कि हरियाणा से पीएम मोदी का नाता बहुत पुराना है। जम्मू कश्मीर में भी मोदी मैजिक देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने जीत का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया कि बीजेपी ने इस बार जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड जीत दर्ज की। मतलब जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर से यहाँ के युवा खुश हैं, क्योंकि जम्मू की जनता ने मोदी की गारंटी पर यकीन किया और मोदी के चेहरे पर जमकर वोट दिया। भाजपा की प्राथमिकता है आपके हर अधिकार की रक्षा की गारंटी मोदी ने दी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे। जन्नत की तस्वीर बदलने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पर जनता ने विश्वास जताया। जनता ने पीएम मोदी के हर वादे को मजबूती से पकड़ा और जम्मू में बीजेपी को शानदार जीत का तोहफा दिया। साथियों, ये मोदी है जो आपके बच्चों की चिंता करता है, आपके भविष्य की चिंता करता है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले। मैं चाहता हूं यहां का हर बच्चा खूब आगे बढ़े। इसलिए बीते 4-5 साल में ही भाजपा सरकार ने यहां अनेकों नए स्कूल खोले हैं, बहुत सारे कॉलेज बनवाए हैं। बीजेपी ने जम्मू में शानदार जीत दर्ज की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां जहां रैलियां की, बीजेपी ने वहां वहां शानदार प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने 4 कार्यक्रम किए। पीएम मोदी की पहली रैली जम्मू कश्मीर में 14 सितंबर को डोडा में हुई थी, दूसरी रैली श्रीनगर में 19 सितंबर को, तीसरी रैली कटरा में 19 सितंबर को और जम्मू में 28 सितंबर को पीएम मोदी ने चौथी रैली की। साफ है कि देश में फिलहाल मोदी के चेहरे के सामने कोई चेहरा नहीं, ना ही मोदी के सामने कोई विकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी बन चुके हैं। देश की जनता पीएम मोदी की गारंटियों पर विश्वास करती है और देश उनकी नीतियों के साथ खड़ा है। यही वजह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने भी मोदी की गारंटियों पर यकीन किया और बीजेपी ने जम्मू में शानदार प्रदर्शन किया और हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी। रिपोर्ट, भारत 24।